नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ बीएन क्लास में। अगर आप चाहते हैं कि लाइट चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है वो आपको बहुत अच्छे से परफेक्टली आप उसको सॉल्व कर सके तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें हमको ध्यान में रखनी पड़ती है, कुछ चीज़ को समझना पड़ता है, तब जाके हम लाइट चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है बहुत अच्छे से इफेक्टिवली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ये जो डायग्राम जो है ये इसको हम साइन कन्वेंशन बोलते हैं। तो इसको अगर हम समझ लेते हैं तो लाइट का जो चैप्टर का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ पे एक मिरर लिया गया, लेकिन लेंस और मिरर दोनों के लिए सेम चीज़ है, सेम रूल्स है। तो क्या होता है, अब कोई लेंस या मिरर होता है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये 6 पॉइंट हमको दिमाग में रखना है। 6 पॉइंट हमको दिमाग में रहना है, क्या रखना है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लाइट जो हैगा हमेशा लेफ्ट साइड से आएगा, इस साइड से लाइट आएगा, इस तरह से लाइट का जो डायरेक्शन है हमेशा लेफ्ट से राइट साइड की तरफ आएगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, दैट इज जो सनलाइट होगा या कोई भी लाइट होगा तो लेफ्ट साइड से आएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, डिस्टेंस मेज ऑलवेज मेजर फ्रॉम पोल और ऑप्टिकल सेंटर। जो जो भी मेजरमेंट होगा, जो भी हम जो सॉल्व करते समय न्यूमेरिकल जो सॉल्व करते समय हमको जो मेजरमेंट होगा, या तो हमको मिरर के केस में पोल से स्टार्ट करना है और लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट स्टार्ट करना है। दैट मीन्स इनिशियल पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा, पी जो दिख रहा है जो सेंटर है वहां से हमको स्टार्टिंग करना है। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस मेजरिंग टूवर्ड्स लेफ्ट इज नेगेटिव। ओके, पोल से हमको स्टार्ट करना है। अगर आप इस साइड में मेजरमेंट करते हैं, इस साइड में मेजरमेंट करते हैं तो इसको हम नेगेटिव साइन लिखेंगे, उसके आगे में कोई भी नंबर होगा तो उसके आगे में नेगेटिव लिखेंगे। और अगर आप राइट साइड में मेजरमेंट करते हैं, ओके, फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, डिस्टेंस मेजरिंग टुवर्ड्स राइट इज पॉजिटिव। ओके, ये जो पोल या ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से अब राइट साइड में आप मेजरमेंट करेंगे, इस साइड में मेजरमेंट करेंगे तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर पॉइंट, डिस्टेंस मेजरिंग अबव प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के अबव में अगर इस टाइप से कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे में होगा तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। ये 6 पॉइंट हमको दिमाग में रखना आता है, एकदम सिंपल है। पहला पॉइंट है लाइट हमेशा लेफ्ट साइड से आएगा, हमको मेजरमेंट मिरर के केस में पोल से स्टार्ट करना है और लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंसर से स्टार्ट करना है। लेंस या मिरर जहां रखा है उसके लेफ्ट साइड को हम नेगेटिव लेंगे और राइट साइड को पॉजिटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे में नेगेटिव। उसके बाद कौन सा लेंस में कौन सा कैसे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस या फोकल लेंथ क्या होगा उसको हम अभी बात करेंगे यहाँ पे। कौन के मिरर का अगर हम बात करते हैं, कौन के मिरर इसी टाइप से होता है, कौन के मिरर, तो यहाँ पे पी है। यहाँ पे बीच में पी है। पोल, तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस होगी। यहाँ पे क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। कौन के मिरर का बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो होगा हमेशा किस साइड में रहेगा, मिरर या लेंस के लेफ्ट साइड में रहेगा। दैट मीन्स जो यू होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि लेंस या मिरर दोनों में से, यहां पे मिरर का बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड में रख रहे हैं, किसके, मिरर के लेफ्ट साइड में रख रहे हैं, इसलिए ये नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर हम कॉनकेव मिरर का बात करते हैं तो ये चीज हमको याद रखना है, यू हमेशा नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में है और लेफ्ट साइड में जो मेजरमेंट होगा उसको नेगेटिव बोलेंगे। अब यहाँ पे फोकल लेंथ भी नेगेटिव। फोकल लेंथ मतलब, अगर देखिए ये जो लेंस, ये जो मिरर जो है, मिरर कैसा है, इसका गोल कैसा है, किस साइड में, लेफ्ट साइड में इसका राउंड है। दैट मीन्स लेफ्ट साइड में गोल है तो इसका सेंटर किधर होगा, लेफ्ट साइड में सेंटर होगा। तो लेफ्ट साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो फोकस भी लेफ्ट साइड में होगा। फोकस क्या होगा, फोकस भी क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा। क्यों, क्योंकि ये इस साइड में राउंड ऐसा घुमा है। ये राउंड इस टाइप से है, लेफ्ट साइड की तरफ वो कर्व है, तो इसका जो फोकस होगा लेफ्ट साइड में होगा। अगर फोकस लेफ्ट साइड में होगा, हम पोल से स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट, पोल से स्टार्ट करेंगे तो इस साइड का मेजरमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद भी जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस जो होगा नेगेटिव होगा और पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव। कैसे, इसमें से आपको अगर कॉनकेव मिरर का बात करते हैं, 6 डायग्राम है आपके बुक में, कितना डायग्राम है, 6 डायग्राम, और 6 डायग्राम आपको याद रखना है। 6 में से 5 डायग्राम है सारा का सारा लेफ्ट साइड में इमेज फॉर्म होता है। किस साइड में फॉर्म होता है, लेफ्ट साइड में। दैट मीन्स पांच जो रे डायग्राम है उसका भी का जो वैल्यू होगा नेगेटिव आएगा, और लास्ट का एक जो है 6 नंबर वाला जो डायग्राम है उसका जो भी का जो वैल्यू होगा पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स कॉनकेव मिरर के केस में भी पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन
मैक्सिमम चांसेस क्या आएगा, आपको नेगेटिव आएगा, क्योंकि 5 डायग्राम जो है नेगेटिव है और एक डायग्राम जो है पॉजिटिव, क्योंकि एक डायग्राम में जो इमेज है राइट साइड में फॉर्म होता है, ओके, मिरर के राइट साइड में, दैट मींस लेफ्ट साइड में फॉर्म होगा तो नेगेटिव, राइट साइड में फॉर्म होगा तो पॉजिटिव। तो आपको ये दिमाग में रखिए, यू तो हमेशा नेगेटिव और एफ हमेशा नेगेटिव, ये दो चीज आप दिमाग में रख लीजिए, यू हमेशा नेगेटिव और एफ हमेशा नेगेटिव कॉनकेव मिरर के केस में, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये वाला चीज। फिर दूसरा वाला कॉन्वेक्स मिरर का बात करते हैं, ओके, कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे पी होगा, है ना, पोल होगा, और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस पार होके जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, हमेशा ऑब्जेक्ट को किस साइड में रखेंगे, लेफ्ट साइड में, ओके, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखेंगे तो यू तो हमेशा नेगेटिव हो गया, यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसका राउंड किधर घुमा है, राउंड इधर घुमा है कि नहीं, इस तरह से राउंड घुमा है, ठीक है, तो इसका सेंटर किधर होगा, इसका सेंटर यहाँ पे कहीं पे सी होगा, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो फोकस कहाँ होगा, राइट साइड में फोकस हुआ, तो राइट साइड में फोकस होने से एफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट साइड का मतलब पॉजिटिव, लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यू हमेशा नेगेटिव, यू तो नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि पोल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि और लेफ्ट साइड में है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव हो गया, और इसका फोकस जो है एफ जो है पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि वो राइट साइड में है, क्योंकि ये राइट साइड में गोल घुमा है, राइट साइड में इसका फोकस है, ओके। और भी जो है, इसका जो भी है, दो डायग्राम है और भी हमेशा इसका इमेज जो है राइट साइड में ही फॉर्म होता है, ठीक है, इसका इमेज जो है राइट साइड में ही फॉर्म होता है, इसलिए इसका इमेज जो है हमेशा राइट साइड में फॉर्म होता है, इसलिए ये क्या होगा, राइट साइड मतलब पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो आपको याद रखना है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या क्या होगा, यू नेगेटिव, भी एफ पॉजिटिव और भी पॉजिटिव, हमेशा यही आएगा, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको यही वैल्यू आएगा, हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा, जब मिरर फॉर्मूला यूज करके आप सॉल्व करेंगे तो इसी टाइप का वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं करना है। जब भी यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा हमेशा उसके आगे माइनस साइन लगा दीजिएगा, ठीक है, ये है कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस, ओके, कॉन्वेक्स लेंस, ओके, कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, यहाँ बीच में क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा, बीच में क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, और यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से पार होके होते जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस पार होते होते जाएगा। ऑब्जेक्ट को हम किधर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को तो हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है, तो यू क्या हो जाएगा, यू हमेशा इसका नेगेटिव, यू हमेशा क्या होगा आपका नेगेटिव, क्या न्यू, यू नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये जो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में रखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका एफ क्या होगा देखने के लिए, ये जो पहला वाला देखिए, ये जो पहला वाला जो कर्व है किस साइड की तरफ है, दैट मीन्स इसका कर्विंग जो है राइट साइड की तरफ है, दैट मीन्स ये जो अगर इस तरह से कर्व होगा तो इसका सेंटर किधर होगा, इसका सेंटर यहीं कहीं पे होगा, ओके, आपको सेकेंड वाला कर्व नहीं लेना है, ओके, ये सेकेंड वाला कर्व को नहीं लेना है, पहला वाला कर्व को लेना है, पहला वाला कर्व क्या है, राइट साइड की तरफ कर्व दिख रहा है, तो इसका एफ क्या होगा, राइट साइड में होगा, एफ किधर होगा, राइट साइड में एफ होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, यू हमेशा नेगेटिव, एफ पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ये जो फास्ट वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, फास्ट वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका कर्व है राइट साइड में, इसका कर्व किधर है, राइट साइड में है, ठीक, तो राइट साइड में होने से इसका जो पहला फोकस क्या होगा, राइट साइड में होगा, तो राइट साइड में वाला को पॉजिटिव, ओके। और भी क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, मैक्सिमम टाइम में पॉजिटिव होता है। इसमें अगर कॉन्वेक्स लेंस का बात करते हैं तो हमारे पास 6 रे डायग्राम है, आपके बुक में चेक कर सकते हैं आप, 6 रे डायग्राम है, 6 रे डायग्राम में से 5 जो है, 5 का इमेज जो है राइट साइड में फॉर्म होता है, 5 डायग्राम का जो इमेज है राइट साइड में फॉर्म होता है, और वो राइट साइड में मतलब पॉजिटिव, और लास्ट का जो डायग्राम है वो लेफ्ट साइड में इमेज फॉर्म होता है, लेफ्ट साइड में, और उसका नेगेटिव, दैट मीन्स भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, लेकिन मैक्सिमम केस कितना है, 5 जो आंसर जो है, 5 डायग्राम जो है पॉजिटिव में आएगा और एक का जो आंसर है नेगेटिव में आएगा, ठीक है। आप उसमें चार्ट एक दिया है बुक में, आप उसको भी देख सकते हैं कौन सा क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव लेंस का बात करेंगे, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होगा, बीच का ऑप्टिकल सेंटर होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से पार होते होते जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड में हम रखेंगे, यू तो नेगेटिव होगा ही होगा, यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, यू नेगेटिव होगा, ओके। अब देखिए ये पहला जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस किधर कर्व है, लेफ्ट साइड की तरफ कर्व है, ये जो पहला वाला रिफ्लेक्टिंग सर्फेस किधर कर्व है, तो इसका सेंटर किधर होगा, इसी साइड में सेंटर होगा, तो फोकस भी आपको यहाँ पे मिलेगा, ओके। फोकस किस साइड में मिला, लेफ्ट साइड में फोकस मिला, लेफ्ट साइड में फोकस मतलब नेगेटिव, लेफ्ट साइड में फोकस मतलब नेगेटिव। तो आपको पहला वाला रिफ्लेक्टिंग सर्फेस लेना है, इधर वाला नहीं लेना है,
पहला वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका कर्व किधर है, लेफ्ट साइड में है, तो इसका एफ जो है नेगेटिव होगा। ठीक है, यू नेगेटिव, एफ नेगेटिव और वी भी नेगेटिव। इसका दो डायग्राम है, आपको बुक में आप देखेंगे तो इसका दो डायग्राम है और दोनों का दोनों जो इमेज जो है लेफ्ट साइड में फॉर्म करेगा। इमेज किधर फॉर्म करेगा, दोनों का दोनों इमेज जो है लेफ्ट साइड में फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसका नेगेटिव हो जाता है। तो इस टाइप से अगर आप याद कर लेंगे तो बिल्कुल भी इजी हो जाएगा आपको कौन सा लेंस या कौन सा मिरर में वी एफ या यू क्या होगा, वो सारा चीज आप जान सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।